नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSN IAS MBBSC क्लासेस भोपाल। आज हम डिस्कस करेंगे एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, कैसे एक रोग एपिडेमिक से पेंडेमिक में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से आउटब्रेक यानी कि प्रकोप जनरेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स स्थानिक रोग, एंडेमिक डिसीज स्थानिक रोग। एंडेमिक जो वर्ड है बेसिकली ग्रीक वर्ड एन और डेमोस या डिमोस से मिलकर बना है। एन का मतलब होता है एन मीनिंग इन अंदर और डिमोस मीन्स प्यूपल यानी कि लोग। तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ डिसीज दैट इज प्रेजेंट एट अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट लेवल। याद रखिएगा निरंतर स्तर की बात कर रहे हैं, विद इन ए सोसाइटी और कंट्री। तो इसे किस तरीके से हम बता सकते हैं कि यह एक ऐसे रोग के रूप में व्याख्या की जाती है जो एक निरंतर स्तर के रूप में किसी समाज या देश में होता है। सेकेंड डेफिनेशन, आ डिसीज दैट इज प्रेजेंट परमानेंटली इन ए रीजन और पॉपुलेशन। रोग किसी निश्चित क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से उपस्थित होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एंडेमिक डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। जैसे मलेरिया एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है लेकिन ये एंडेमिक है अफ्रीका के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। ठीक है, तो डेंगू फीवर एक सेकेंड एग्जाम्पल है। डेंगू फीवर इज एंडेमिक टू सर्टेन रीजन ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड कैरिबियन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटब्रेक की। आउटब्रेक का हिंदी मीनिंग होता है प्रकोप। आउटब्रेक इज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ एंडेमिक केसेस। एक किसी जगह पर एकदम से एंडेमिक केसेस का बढ़ जाना। इट कैन ऑल्सो बी अ सिंगल केस इन अ न्यू एरिया, किसी एक नए क्षेत्र में एक केस का होना। गोइंग वन स्टेप फर्दर, एन एंडेमिक कैन लीड टू एन आउटब्रेक। एंडेमिक एक आउटब्रेक में परिवर्तित हो सकती है। एंड आउटब्रेक कैन हैपन एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है आउटब्रेक। इन 2019 देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू फीवर इन हवाई। हवाई में 2019 में डेंगू फीवर एक आउटब्रेक के रूप में हुआ था। इफ़ इट इज़ नॉट क्विकली कंट्रोल्ड एन आउटब्रेक कैन बिकम एन एपिडेमिक। अगर किसी आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यह एपिडेमिक या महामारी में परिवर्तित हो जाता है। एपिडेमिक, एन एपिडेमिक इज डराइव्ड फ्रॉम ग्रीक एपी मीन्स अपॉन और अबव एंड डेमोस मीनिंग पीपल, यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर अ डिसीज स्प्रेड्स रैपिडली टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कहाँ पर? लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए गिवन पॉपुलेशन ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। अधिक संख्या में लोगों को एक निश्चित कम समय में जब प्रभावित करें तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक इज ए डिसीज दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ अ कम्युनिटी पॉपुलेशन और रीजन। एक समुदाय में, जनसंख्या में या फिर क्षेत्र में प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, COVID-19 वॉज लिमिटेड टू वुहान चाइना, इट वॉज एन एपिडेमिक। जब COVID-19 वुहान चाइना तक सीमित था तो ये एक एपिडेमिक था, और जब ये स्टार्ट हुआ था एकदम से, जब हमने वुहान में स्टार्ट हुआ था, तो ये जब स्टार्ट होता है तो ये आउटब्रेक कहलाता है। फिर ये पूरे वुहान शहर में पहुंच जाएगा तो ये एपिडेमिक कहलाएगा। नेक्स्ट पेंडेमिक, अ पेंडेमिक इज डेराइव फ्रॉम ग्रीक पेन मीनिंग ऑल एंड डेमोस मीनिंग पीपल, इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रैपिड स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिशनल इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिसीज ओवर सेवरल कॉन्टिनेंट्स और वर्ल्ड वाइड। अ पेंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स।
एक पैंडेमिक वह होता है जो कि एपिडेमिक से अलग अलग देशों में या कॉन्टिनेंट्स में फैल जाता है। पैंडेमिक को याद करने के लिए हम देखेंगे अ पैंडेमिक इज टू रिमेंबर द पी पी इन पैंडेमिक विच मीन्स पैंडेमिक हैज़ अ पासपोर्ट। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पैंडेमिक जब कोई बीमारी किसी एक निश्चित क्षेत्र में होती है तो एंडेमिक कहलाती है, एकदम से जब वो आती है सडन आउटब्रेक होता है तो उसे प्रकोप कहते हैं, जब इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है तो एपिडेमिक में कन्वर्ट होती है, और यही एपिडेमिक जब पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखते हैं। मतलब जब कोई बीमारी एक निश्चित देश में एक निश्चित समय पर होगी तो वह बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगी तो एपिडेमिक या महामारी कहलाएगी, लेकिन जैसे ही वह कई सारे देशों में या कई सारे महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स में फैल जाती है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो इसे पासपोर्ट से मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जिस तरीके से पासपोर्ट की आवश्यकता होती है तो पी को कनेक्ट करते हैं पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक हैज़ अ पासपोर्ट, अ पैंडेमिक इज एन एपिडेमिक दैट ट्रेवल्स। पैंडेमिक वह बीमारी है जो कि एपिडेमिक के रूप में यात्रा करती है, जब एक देश से दूसरे देश में चली जाती है, जैसे COVID-19 वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक के रूप में फैली हुई है। फीचर्स देख लेते हैं हम पैंडेमिक के कि कौन कौन से लक्षण होते हैं। अफेक्ट अ वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफन ग्लोबल, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, अक्सर इसे हम वैश्विक रूप से कह सकते हैं। इनफेक्ट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत अधिक संख्या में लोगों को संक्रमित करती है। ऑफन कॉज्ड बाई अ न्यू वायरस और अ न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस दैट हैज़ बीन डॉर्मेंट फॉर मैनी ईयर, स्प्रेड क्विकली इन ह्यूमंस एज देयर इज लिटिल टू नो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी, बहुत तेज़ी से मानवों में फैलती है जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है या प्रतिरक्षा बहुत कम होती है। कैन कॉज अ हाई नंबर ऑफ डेथ, बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। बिकॉज ऑफ द नीड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज देयर इज ऑफन सोशल डिस्ट्रप्शन अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक लॉस। एस्केलेशन ऑफ एन एपिडेमिक टू पेंडेमिक, कैसे एपिडेमिक से पेंडेमिक में परिवर्तन होता है या रूपांतरण होता है। अकॉर्डिंग टू WHO विल डिक्लेयर अ पेंडेमिक व्हेन अ डिसीज हैज शोन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फर्स्ट ड्रामेस्टिकली इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ, ईच डे शोइंग मैनी मोर केसेस दैट प्रीवियस डे, प्रत्येक पूर्व दिन की अपेक्षा अगले दिन अधिक केसों का पाया जाना। अ करेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोरोना वायरस डिसीज COVID-19। स्टेज ऑफ ए पेंडेमिक, एक वैश्विक महामारी की अवस्थाएं, तो WHO ने 6 स्टेज बताई हैं। तो फेज 1 अ वायरस सीन इन एनिमल्स, वायरस जंतुओं में दिखाई देता है बट हैज़ नॉट बीन सोन टू इन्फेक्शियस इन्फेक्शन इन ह्यूमन, लेकिन वह मानवों में संक्रमण नहीं फैलाता है। फेज 2, तो फेज 2 है नॉन एनिमल वायरस हैज़ कॉज्ड एन इन्फेक्शन इन ह्यूमन। फेज 2 में या द्वितीय अवस्था में वायरस मानवों में रोग या संक्रमण फैलाता है। फेज 3 स्कैटर्ड और आइसोलेटेड इंसिडेंस ऑफ केसेस और स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ डिसीज ऑकरिंग इन ह्यूमंस, पॉसिबल केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बट नॉट अ लेवल टू कॉज कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक। मानव से मानव में केस पॉसिबल हो जाते हैं लेकिन ये कम्युनिटी लेवल पर ट्रांसमिट नहीं होते। नेक्स्ट फेज 4, तो चतुर्थ अवस्था में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इम्पॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मानव से मानव में स्थानांतरण हो रहा है,
एट अ रेट दैट कॉज एन आउटब्रेक इन कम्युनिटीज। फेज 5, द स्प्रेड ऑफ डिसीज बिटवीन ह्यूमन नाउ एविडेंट इन मोर देन वन कंट्री। एक से अधिक देशों में जब मानवों में यह रोग फैल जाता है तो फेज 5। नेक्स्ट फेज 6, कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक। वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक। जब हम समुदाय के स्तर पर प्रकोप को देखते हैं तो कम्युनिटी लेवल आउटब्रेक आर इन एट लीस्ट वन एडिशनल कंट्री अदर देन सीन इन फेज 5। पांचवी अवस्था के अलावा अगर हम किसी और कंट्री में यह देखते हैं कम्युनिटी लेवल पे, तो इसे हम छठवीं अवस्था के रूप में देखते हैं। वंस फेज 6 इज रीच्ड, प्रिपरेशन इज देन मेड फॉर अ ग्लोबल पेंडेमिक। जैसे ही ये छठवीं अवस्था में पहुँच जाती है तो इसे हम वैश्विक महामारी के रूप में जानने लगते हैं। फेज 1 रिप्रेजेंट्स अ लो रिस्क। जब यह फेज 1 में होती है तो बहुत कम रिस्क होती है यहाँ पर। एंड फेज 6 फुल ब्लोन पेंडेमिक, पूरे तरीके से यह वैश्विक महामारी के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एंडेमिक, आउटब्रेक, पेंडेमिक और एपिडेमिक किस तरीके से होता है, कैसे एंडेमिक मींस किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली, जैसे मलेरिया अफ्रीकन रीजन में। नेक्स्ट हमने देखा आउटब्रेक, किसी भी डिसीज़ का सडन जब होना होता है या एकदम से जब वो दिखाई देती है तो वो आउटब्रेक के रूप में होती है। जब हम आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो एपिडेमिक बन जाती है, और जब यही डिसीज़ एक से अधिक देशों में फैल जाती है तो एपिडेमिक पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। और पी से पासपोर्ट आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप पेंडेमिक डिसीज़ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।